नमस्कार, मैं हूं दिवांजली मोइत्रा। केरल में आई भयंकर बाढ़ के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। हर कोई अपने तरीके से केरल की मदद के लिए आगे आ रहा है। इस भयावह बाढ़ से जूझ रहे केरल की कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो केरल के हालात बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी है जो तेजी से वायरल हो रही है, जिसे एक पूर्व IPS अधिकारी ने शेयर किया है। इस तस्वीर के जरिए PM मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। आइए देखते हैं आखिर क्या है इस तस्वीर की सच्चाई। PM मोदी पर अक्सर निशाना साधने वाले पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट ने एक बार फिर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका झूठ पल में ही बेनकाब हो गया। दरअसल केरल में आई भयंकर बाढ़ की दर्दनाक तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की। ये तस्वीर है दो इलेक्ट्रिशियंस की, जो भारी बारिश में भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट ठीक करते नजर आ रहे हैं। संजीव भट्ट ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा है, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स भारी बारिश में भी बिजली ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर 5 दिन पहले ली गई है। अब आप जानते हैं कि मोदी और उनके संघी ठग क्यों केरल से नफरत करते हैं। PM मोदी और संघ पर निशाना साधती संजीव भट्ट की इस फर्जी पोस्ट का सच जल्द ही सामने आ गया है। जिस तस्वीर के सहारे उन्होंने PM मोदी को निशाना बनाया, वो तस्वीर दरअसल मलयालम अखबार मातृभूमि की है, जिसे उसने साल 2016 में प्रकाशित किया था। अगर आप भी इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो तस्वीर के बैकग्राउंड में दीवार पर मलयालम भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि ये तस्वीर केरल की है, लेकिन 2 साल पुरानी। केरल बाढ़ के वक्त इस तस्वीर के ट्रेंड होने की वजह पर बात करें तो दरअसल कुछ वेबसाइट्स ने इस तस्वीर को केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जुड़ी खबर के लिए इस्तेमाल की थी, जिससे ये ट्रेंड में आ गई। और अब बात करते हैं पूर्व IPS संजीव भट्ट के बारे में। विवादित IPS अधिकारी संजीव भट्ट गुजरात कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। 2015 में उन्हें बिना बताए लंबी छुट्टी पर जाने के आरोप में पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है जब संजीव भट्ट ने इस तस्वीर के बहाने PM मोदी पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी उन्होंने 2002 के गुजरात दंगे में तत्कालीन CM रहे नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाया था।